आप ऐसे कितने लोग हैं जो मैरिड नहीं है? That's very good. I'm not even counting. I don't care. So don't look excited. Put that down. All right. The joke is like that. एक बार हस्बैंड को ऐसा रियलाइज हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ दैट यू नो हिज वाइफ इज गेटिंग हार्ड ऑफ हियरिंग, उसकी वाइफ को थोड़ा कम सुनाई देने लगा. तो द हस्बैंड डिड नॉट हैव द गट्स टू कन्फ्रंट हिज वाइफ एंड टेल हर दैट यू नो यू आर बिकमिंग डेफ. तो उसके अंदर इतनी गट्स तो थे नहीं, हिम्मत तो थी नहीं कि वाइफ से क्या आपको बहरी हो रही हो. तो उसने क्या करा, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया. डॉक्टर यू सी आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग द फीलिंग दैट माय वाइफ इज गेटिंग हार्ड ऑफ हियरिंग, सो व्हाट शुड आई डू. डॉक्टर सेड दैट यू नो लेट्स फर्स्ट कंफर्म व्हाट यू थिंक इज एक्चुअली ट्रू और नॉट, देन आई विल टॉक टू हर. सो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू डू सम टेस्ट. डॉक्टर ने उसे एक टेस्ट करने के लिए एडवाइस किया. एक्सक्यूज मी, उसने कहा जब तुम घर पर हो तो देखना कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर तुम अपनी वाइफ से अराउंड 20 फीट दूर हो, उसे कोई बात बोलना. अगर वो सुन लेती है तो इट इज ऑल वेल एंड गुड, इट इज ओनली योर डाउट. इफ शी डजंट देन हाफ द डिस्टेंस, तो दूरी आधी कर देना एंड डू द सेम थिंग. अगर सुन ले तो बहुत अच्छा, अदरवाइज फिर से डिस्टेंस हाफ कर देना. अगर कोई भी प्रॉब्लम है डू लेट मी नो, आई विल गो टॉक टू हर. सो one day husband comes back from work and he notices that the wife is in the kitchen doing something. So he is standing right 20 feet away from the wife and says, what are you doing? And gets no answer. So his heartbeat goes up and he goes half the distance aur 10 feet pe jaake fir se poochta hai, so what are you doing? Gets no answer again. Now he is calculating. Heartbeat up. Now he goes half the distance, just 5 feet away from the wife, and asks the same question. No answer yet. Now he can't really wait. He goes right behind his wife and says, "What are you doing?" And any guesses, guys? What would have happened? Pitai, Anubhav bol raha hai yahan par. Bahut badhiya. Aur कोई और गेस करना चाहेगा क्या हुआ होगा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है. ये अनादर, ये अनुभव तो नहीं बोल रहा है. ये उम्मीदें बोल रही है. बहुत बढ़िया, जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन आपके होंगी उतना अच्छा आपको लगेगा आगे फ्यूचर में. और ये बहुत खुश रहेगा जिंदगी में. ये पहले से ही उम्मीदें कर रहा है इस तरह की कॉम्प्लीमेंट. बहुत बढ़िया, दिखाई नहीं देता, आते हो गए, आई लाइक इट, अच्छा लगा तुम्हारी उम्मीदों को देख करके. सो वाइफ पीछे मुड़ी और उसने बोला, प्लीज आई एम टेलिंग यू फॉर द फोर्थ टाइम आई एम मेकिंग टी फॉर यू. ओके, सो एक्चुअली ही वाज द वन हु वाज डेफ. So, जो हस्बैंड था वो बहरा होता जा रहा. तो वाइफ ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं चौथी बार बता रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ. So that was a joke. Going to move on with this. I want people to showcase some other talent. Some people could not qualify to the other round, but उन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि वो भी अपना कुछ टैलेंट दिखाएंगे, right? So, कितना टैलेंट भरा पड़ा है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका. सो ऐसे लोग जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन वो लोग पहले राउंड में थे जिन्होंने कम्पीट किया, दैट यू नो दैट इज वेरी ब्रेव ऑफ यू ऑल गाइस कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उनमें से जो लोग भी अपना टैलेंट दिखाना चाहें वो लोग आप लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर कम. Enjoy their comedy.
एंड ही गॉट कार्ड. तो देखो क्या है यार. टेक आउट एनी ऑफ द कार्ड. हाँ यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ. सर उसको बोलना सर भी करो. मुझे सब पता है ना ये एक्टिविटी. आई नो आप बोलो. नहीं नहीं नंबर से भी होगा. चलो एक बार फिर से आप जैसे कोई भी एक ले लूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. क्लैप फॉर हिम. ऑल राइट, ही कैन डू पुशअप. जो लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए.